भाई आईपीएल की दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस भिड़ेंगी अपने 59th मैच में जो खेला जाएगा कल शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में। दोस्तों मुंबई का ये मैदान है जहां नो डाउट मुंबई इंडियंस डेफिनेटली ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगी और चेन्नई सुपर किंग्स से मिली इस सीजन में हार का बदला लेना चाहेगी। हेड टू हेड कंपेरिजन में देखा जाए तो बड़ा डिफरेंस नजर आता है। 35 मैचेस खेले गए हैं जहां चेन्नई 15 मैचेस जीती है तो वहीं मुंबई ने 20 मैचेस अपने नाम करे हैं। लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो चेन्नई ने 3 मैचेस जीते हैं और मुंबई के नाम रहे हैं 2 मैचेस। तो दोस्तों इस लिहाज से ये मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग होगा। नीचे बैठी दो टीम्स के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी होगी कि अपनी पोजीशन को और अपनी साख को बचाने के लिए ये मैच जीतें। खैर बात करते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को जिन हमारे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी हर एक मैच की A to Z डिटेल अपडेट। साथ ही साथ आईपीएल बोनांजा के सवाल भी पूछे जाएंगे तो उससे जुड़े जवाब भी आप देकर पा सकते हैं कैश प्राइस। बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की ओर। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 13 मैचेस इस सीजन के खेले जा चुके हैं। 7 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 6 मैचेस सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। लास्ट मैच फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहा था। हाईएस्ट स्कोर आरसीबी का 235 रन और लोएस्ट स्कोर है कोलकाता का 67 रन। बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं भाई, 13 मैचेस में 148 विकेट चटकाए जा चुके हैं, 102 विकेट पेसर्स के नाम रहे हैं तो 46 विकेट स्पिनर्स ने अपने नाम करे हैं। यहां पर नो डाउट पेसर्स का दबदबा रहता है लेकिन स्पिनर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती दिखी है। खैर अब आ जाते हैं दोनों टीम्स की ओर। भाई चेन्नई ने इस ट्रैक पर 2 मैचेस खेले और दोनों ही हारे हैं। हाईएस्ट स्कोर रहा है इनका 176 रन। टोटल 2 मैचेस में 7 विकेट चटकाए हैं जहां पर अगर हम देखें सक्सेसफुल गेंदबाज की बात करें तो डीजे ब्रावो ने 5 विकेट लिए हैं और सक्सेसफुल बल्लेबाज रहे हैं अंबाती रायडू जिन्होंने 93 रन बनाए हैं। वहीं इनके ओपोनेंट्स मुंबई इंडियंस पर आ जाते हैं। भाई एक मैच इन्होंने इस ट्रैक पर खेला हुआ है, हालांकि होम ग्राउंड है, एक्सपीरियंस डेफिनेटली रहेगा, लेकिन इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट ये टीम हारी थी। हाईएस्ट स्कोर इनका रहा था 132 रन। 6 विकेट चटकाए थे इस मैच में जहां सक्सेसफुल गेंदबाज रहे थे कायरन पोलार्ड विद 2 विकेट्स और रोहित शर्मा रहे थे सक्सेसफुल बल्लेबाज जिन्होंने 39 रन बनाए थे। अब दोस्तों ये तो हुई बात पिच रिपोर्ट की जहां पर साफ तौर से चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में दबदबा दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 मैचेस जरूर हारी है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर फायदा मुंबई इंडियंस को हो सकता है अपने होम ग्राउंड में। मूविंग ऑन टू द आईपीएल बोनांजा क्वेश्चन, भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर वो कौन सा गेंदबाज होगा जो सबसे बेहतरीन इकोनॉमी के साथ यानी कि सबसे अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करेगा, जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन दूसरे सवाल के बाद आ जाते हैं अब दोनों टीम्स की ओर और देखते हैं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चेन्नई की बात करी जाए तो भाई यहां पर टॉप ऑर्डर में 2 बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे हमें नजर आते हैं। गायकवाड़ ने 11 मैचेस में 306 रन बनाए हैं और यहां पर अच्छा सपोर्ट मिला है गायकवाड़ को डिवोन कॉनवे का जिन्होंने 4 मैचेस में 231 रन बना लिए हैं। दोनों ही बल्लेबाज इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में रन स्कोर करते नजर आ सकते हैं। बात करें मिडिल ऑर्डर की तो यहां पर अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा और मोइन अली जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज ऑलराउंडर मौजूद हैं जो कि इस टीम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। शिवम दुबे और एमएस धोनी दो ऐसे बड़े हिटर्स हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी ओवरों में बड़ी हिटिंग करना जानते हैं। अब यहां पर ये तो हुआ बैटिंग लाइनअप जहां अगर हम मोइन अली की बात करें तो ये एज एन ऑलराउंडर कारगर साबित हो सकते हैं। 7 मैचेस में 121 रन बनाए हैं और 5 विकेट भी चटकाए हैं। लास्ट मैच में मोइन अली काफी सक्सेसफुल रहे थे एज अ बॉलर। बात करें शिवम दुबे की तो 9 मैचेस में 279 रन ये बना चुके हैं और चेन्नई के लिए एक बड़े हिटर साबित हुए हैं। गेंदबाजों की बात करी जाए तो यहां पर ड्वेन ब्रावो, महेश दीक्षणा दो ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस इन्हें बेहतरीन सपोर्ट मिला हुआ है मुकेश चौधरी का जो बैक टू बैक विकेट्स निकाल रहे हैं। मुकेश चौधरी ने 10 मैचेस में 13 विकेट लिए हैं। यहां पर महेश दीक्षणा की भी गेंदबाजी का जिक्र किया जा सकता है, 8 मैचेस में 12 विकेट इनके खाते में आए हैं और ड्वेन ब्रावो ने 9 मैचेस में चटका लिए हैं 16 विकेट। तो दोस्तों ये है पूरा समीकरण इस टीम का जहां पर सॉर्टेड टीम नजर आती है, वेल बैलेंस है, लेकिन क्या इन्हें बेहतरीन टक्कर मिलने वाली है मुंबई इंडियंस से? आइए नजर डालते हैं मुंबई की प्लेइंग 11 पर। यहां रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, कायरन पोलार्ड जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं। उम्मीद होगी अगर सूर्य कुमार यादव इंजरी से पार पा जाते हैं तो वो प्लेइंग 11 में जरूर शामिल होंगे और यहां पर रमनदीप सिंह को वापस बेंच पर बिठाया जा सकता है। ईशान किशन ने 11 मैचेस में 321 रन बनाए हैं, ही इज डूइंग वेल, टीम के लिए रन स्कोर कर रहे हैं, मुश्किल घड़ी में टीम का साथ दे रहे हैं और इन्हें सपोर्ट मिल रहा है तिलक वर्मा का जो कि 11 मैचेस में 334 रन बना चुके हैं और टॉप ऑर्डर में ये दो बल्लेबाज कारगर साबित हो सकते हैं। टिम डेविड की बात करें
तो 5 मैचेस में 90 रन इन्होंने बनाए हैं। उम्मीद होगी कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ये थोड़ा एक्सेलरेट करें पारी को और बड़े शॉट्स खेलें। बात करी जाए अब गेंदबाजों की तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने केकेआर के अगेंस्ट भाई धागे खोल दिए थे, 5 विकेट चटकाए थे, मात्र 10 रन दिए थे 2.5 की इकोनॉमी के साथ। तो एक बार फिर जब जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं लय में तो मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है क्योंकि यहां पर डैनियल सैम्स भी मौजूद हैं जो कि 8 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मॉर्गन अश्विन ने भी विकेट्स निकालने की परंपरा को बरकरार रखा हुआ है, 8 मैचेस में 9 विकेट ले चुके हैं एंड दैट सम्स अप द टीम ऑफ मुंबई इंडियंस, द 5-टाइम चैंपियंस जो कि अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज जरूर कर सकती है। दोस्तों इसी के साथ आईपीएल बोनांजा का हमारा आखिरी सवाल आ जाता है कि आखिर मुंबई इंडियंस की तरफ से वो कौन सा बल्लेबाज होगा जो सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा। जवाब जरूर दीजिएगा दोनों सवालों का। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।